हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त सुबह हो चुकी है, ढिंगली अभी जा रही है शादी में। कल भी हमारे घर पे शादी हो गई, बहुत मजा आ गया। रिंकू अभी जा रही है शादी करने के लिए उनकी सहेली की, वहाँ उनकी रील्स देखिएगा। उनकी बहनपणी जो कल रोई थी, इन सब लोगों ने बहुत ही मस्त सॉन्ग गाया था। मैंने यूट्यूब पे ही डाला। हाँ, तो की फ्रेंड रोने लगी और इन सब लोगों ने उनको रुलाया, प्यार से रुलाया, मतलब जबरदस्ती नहीं रुलाया, नहीं रिंकू। तो मजा आ गया, चलो तुम एंजॉय करो, जाओ। और बाकी आज का मस्त वाला दिन शुरू करते हैं। कल गरबा हो गया, हेयर ऑयल को छान छान के पूरी बोतल भरनी है, वो सब सारा काम आज से होगा। और 31st को अभी पोंख हमारा रेडी हो जाएगा, पहली तारीख से आपका सबका पोंख निकल जाएगा। तो आप दिल से मस्ती से खाइएगा बच्चा पार्टी को, यहाँ पर खेलने का बहुत ही मजा आ रहा है। मजा आवे छे छोकरा, ए छोकरा ए साड़ी लखन साड़ी करे छे, ए दीदी ढेम्बुड़ी साड़ी करे छे, ए दीदी दीदी लगन में जाऊ छे। और एक बात की भाई, दर्शक विक्रमा फैमिली में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे, अपने जीवन में उतार रहे, और बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी है जिनको परेशानी थी और उन्होंने कहीं ना कहीं हल निकाला है। आप भी अपने कर्म में आगे बढ़िए, मेरी बातों को सुनकर बस वो अपने जीवन में जितनी उतार सको उतनी उतारिए। मस्त वहाँ पर बातचीत होती है और कर्मा फैमिली दिल खोल के आपके स्वागत में खड़ी है। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात होती है जहाँ पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, कहीं ना कहीं अच्छी बात ऐसी जो समाज के लिए होती है, तो वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे भी हमारा कर्म अच्छा बनता है, मैं सब पर्सनली मानता हूँ। तो जिसको देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए मस्ती कीजिए। बाकी कल रात को हमारे घर पर गरबा था, मजा आ गया। रिंकू जा रही है आज भी शादी में, और किंजल और माँ दोनों घर पे धड़बड़ाटी बुलाते हुए रहेंगे। फ्रेंड्स, किंजल भी आ गई है, आज हेयर ऑयल का छान छान के बोतल भरेंगे और बोतल भर भर के आपको भेजने। बहुत ऑर्डर आ रहा है, कल तो सबने दिखाया ना, तो बहुत ऑर्डर। कल तो मैं फ्री नहीं रहा था, पूरे रात कॉलिंग चालू। हाँ, इसलिए ज्यादातर शादी का मैं कल शूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पर बेटा बेटा भी सबका आंसर देता था और आंसर थोड़ा लेट हो जाए तो फोन के ऊपर फोन आने लगते थे, इसलिए मैं जल्दी आंसर देता था। इसलिए शादी का कल गरबा का थोड़ा शूट नहीं हुआ, लेकिन मजा आ गया कल रात को, है ना। बहुत मजा आया और नाश्ता भी किया सबने, तो अच्छा लगा, मजा आ गया भाई। तो आज क्या क्या करना है, क्या ठीक हो गया आपको? हाँ, क्या लगाया था, क्या लगाया था, नहीं पता आपको? नहीं नहीं, घी लगाया था, गाय का घी लगाया था। अच्छा, तो भाई मुझे यहाँ पे सुबह सुबह जो फट जाता है ना, मतलब तो मुझे लोशन नहीं लगाना है, जैसे घी से बहुत अच्छा मतलब हो जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। मैंने इसको बोला कि थोड़ा यहाँ पर जल रहा है, अंदर से आई और यहाँ पर चौपड़ के चली गई, तो ठीक हो गया। आरोही को मैं घी लगाती हूँ, लोशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, देसी घी ना। हाँ, घी से लगा। तो ये भाई घी भी लगाई है भाई, घी नहीं घी लगाई है, क्योंकि गाय का घी। हाँ, क्योंकि बाकी सारे क्रीम जो है वो स्किन को थोड़ी देर रखेंगे स्मूथ, लेकिन बाद नहीं, में नहीं रिजल्ट आता है, वो अच्छा भी नहीं होता है, घी से तुरंत फट जाता है ना। घी लगे? हाँ हाँ, चिन घी लगे। अच्छा, ओके सर, चलो। घी से क्या है, स्किन जो फट जाती है ना वो ठीक हो जाती है, तो अच्छा है। मालिश भी घी से करो तो अच्छी बन, तुरंत काम कर देता है। चलिए, अच्छी बात है, ये देसी नुस्खा अपना या मेरे जो हमारा तेल है वो भी छानना है, वो भी दिखाएंगे। कल जाना है अमरेली। हाँ, कल जाना है किंजल के बापूजी के, जाना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ऑयल को छानना है तो मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी ऑफिस में, तो चलो पहले तो ऑयल छान लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हो बहुत मस्त, अभी 24 घंटे तक रखा था, अभी उसको छानना है, तो पहले छान लेते हैं। तो आप सबका तेल हो गया रेडी, तो चलो स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है मम्मी, बहुत मस्त आ रही है स्मेल। तो चलो अभी यहाँ पे छानना है ऑयल को। वाओ, ये तो अभी छानना कर देते शुरू, तो अभी यहाँ पे देखो छान लेते हैं। भगवान फोन करो तो तेल इसमें बहुत गंदा। तो यहाँ पर किंजल और साथ में माँ दोनों का ध्यान इतना बिजी है भाई, ऊपर नहीं देख रहे क्योंकि नीचे गढ़ का गाढ़ा है। वाह भाई वाह, इतने तपेले के ऊपर तपेला तेल बनता जा रहा है और यहाँ पे सारा जड़ी बूटी जो है वो इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अभी इसको छान देंगे, छान छान के रेडी कर दे, एकदम नेचुरल स्मेल के साथ, बिना केमिकल का पूरा तेल रेडी करके आपको भेज रहे। देखो ये सारा इसके अंदर निचोड़ कर दिया है, 26 प्रकार के इसके अंदर सारी औषधि है जो मिक्स कर दी जा रही है।
जो तेल है उसमें कितना डालने से कितना हो जाता है? एक किलो जो तेल होता है ना इसमें 100 ग्राम तो कम हो जाता है। किलो से 100 ग्राम? 100 ग्राम कम। अच्छा, उतना जब हम गर्म करते हैं बॉइल करते हैं ना तो। अच्छा, तो जल जाता है ना इतना उबालने में? डेढ़ कला कपड़े दो ढाई घंटा आई थिंक सो ये उबालना पड़ता है, तब जाके नक्कोर तेल रेडी होता है ना। पड़ेगा ना वापस बनाना पड़ेगा। ओके ये भाई देखो काचरी का रपा भी ये भी निकल जाएगा। फाइनली मस्त तेल हमारा देखो रेडी हो चुका है। चमचा में लेते हैं तब देखो इसका कलर नेचुरल कलर है ये तो, है ना मस्त कलर। तो ये इसमें कोई कलर नहीं ऐड करते, सिर्फ जो अंदर कलर मिलता है वही कलर इसके अंदर आ जाता है। कलर से बताए औषधि बधी नाखी नहीं है ना कलर पकड़े से, बाकी केमिकल नहीं बोतल के कोई। ग्रीन जो ग्रीन आता है ना वो ग्रीन उसके अंदर मिलाया जाता है, वरना नेचुरल कलर तो यही है इनका। देखो यही इसका औषधि के साथ कलर आपको मिलेगा। अपने टोपरा नु तेल लावी से एकदम पानी जो चोखू हो रीते आ तेल मैसे के बधी औषधि नु से, बाकी बीजु कोई कलर से नहीं। बोटल भरना पड़ेगा। बहुत सब लोग वेट कर रहे कब दर्शक भाई भेज रहे हो, कब भेज रहे हो? आज तो हमारे घर से था वो भी लेके गए। तो हाँ ले गया 500 ग्राम तो लेके गए सूरत से आए थे। यहाँ पर बच्चा पार्टी मस्त दोपहर के बाद शाम ढलने को आई और मस्ती करने के लिए बैठ गई है। रूही आरोही कियान देखो इनके बीच में इनको बैठना पड़ता है, वरना क्या होता है महाभारत होता है। और ये है कियान क्या है, जैसा मारता है ना तो पता नहीं चलता कितना मारना है ऐसा है। और ये है रूही आरोही ले देखो देखो गटूर कच और मजा आ रहा है। रिंकू केक मजा है दाने ना गोटा खाने मजा आएगी ना। पप्पा आवत सारू नहीं लगन में गया छे ये भाई तो मजा आया करे है। देखो देखो चकली को रही रही ने ना कोटा फूटे देखो दोपहर के बाद रिंकू बच्चों को ही संभालती है। एक था दो बढ़ गए एक संभालू मतलब बैठना ही है और क्या। और चिल्लाना भी है, एक को चिल्लाओ दूसरे को चिल्लाओ। ऐसा है भाई शाम के 7 बज गए और अभी शाम ढलने को आई है। देखो धीरे धीरे देखो रूही बोल रही है चांदलो गाड़ी ना कौन भी है ना चारो लाख तो भाई आज चांदला न थेवा देती भी एक एक तो टी शर्ट ऊपर भी सारो न लागे चांदलो। हाँ साड़ी पर सारो लागे एटले ने हाँ तो मोटी दिन चांदलो कर जे पे हूँ हाचू क्या। तो आइए अभी चलते किचन में। किचन में अभी देखो महापूजा आरती हो रही है अभी। और किंजल क्या है कड़ी है कड़ी वाह भाई वाह, रात का कड़ी का माहौल बन रहा है। ग्राइंडर घुमा घुमा के लोड एक कर रही है। आप तो गोटा खा के आए हैं ना? अब मैं और रिंकू आ गए थे इसलिए ज्यादा भी रात को खाना नहीं है। खाना है कि नहीं खाना? बिल्कुल नहीं खाना। तो क्यों ऐसे बोलो ज्यादा नहीं खाना? मतलब हमने थोड़ा ही खाया था लेकिन रात को नहीं खाना। सही खाना ही तो बना देती हूँ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं भूख लगी तो कोई बात नहीं। और 10 बजे बोलेंगे आप? नहीं बोलूंगा भूख लगी। कुछ खाने में कुछ है? नहीं बोलूंगा। खाने में है ना चिक्की है गाठे है? अच्छा ओके ठीक है। तो भाई माहौल बन चुका है बच्चों पार्टी वाला। तो मम्मी किंजल दोनों बैठ गए हैं और मेरे पापा लगन करिए वा। अरे नहीं वहाँ तो हमने तो मजा आई ना। हाँ मजा तो आवे ने हूं लाडवा खाता हो तुम्हारी वगैरह खाई जावा मजा आ रहा है। रिंकू किया नहीं यहाँ पर बैठे। रिंकू तारे जानू लगन माजे? अब मैं जाऊंगी 1 तारीख को। हाँ कि नहीं? अब नहीं मम्मा अब नहीं। साकी क्या है ना रोका हो जाए बेटा। भाई वरघोड़िया आ गए हैं। रिंकू भी यहाँ पर वरघोड़िया को देखने के लिए खड़ी है। और किंजल अभी देखो जान आई नहीं है हम कब से खड़े हैं। अच्छा आएगी लंच आ रहा है सारे कि अच्छा, नहीं आ गए तो सब लोग क्या इकट्ठा हो रहे हैं? मैं जा रहा हूँ जा। अरे
अरे जयदीप भाई केम छो मजा आई गई ने आखी के मजा आई मजा भी ने ओ वांदो रे वाह भाई वाह एम लागो छु वात ने सरस 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 आनंद बाकी सरस लियो बहु लिए एम ने अर्धो अर्धो बार हलवो कर रहे क्यों है जीवन नो मजा आई एम ने सरस सर ढोली भाई धमाल मचा है पड़ा तो फ्रेंड्स यहाँ वर्षों से वाह भाई वाह भाई वाह तो नहीं हाँ मतलब ये मंतव्य वो लेंगे हम कि इतने सालों से हमारा घर कभी कभी खाली होता है लेकिन ये जो ओटला है वो भरा ही भरा रहता है चाहे कोई भी लोग इनकी जगह ले लेते हैं और यहाँ पर ये स्मरण चालू रहता है जैसे दादा की ओटले बापा कायम रहते हैं उसी तरह यहाँ पर कोई ना कोई बापा रहते ही है जो यहाँ पर कायम रहते हैं आ दादा मुखिया जे पाथड़ा की एमनी टीम छे अने अहीं नौजवान तैयार था ये अहीं बेसे बाकी अहीं बधा वडीलो बेसे छे केम लागे अहीं ओटले बेसवाथी शुं फायदो थाय एटले आपणे आजे वधाव्या छे ढोल वगाडी महान अनुभव बेसे छे सन्मान कर्युं छे तो बे पांच घर भांगे એટલે જોડવાનું કામ નથી થતું અરે જો આમ જો આતશબાજી તમે આતશબાજી શરૂ હો ચુકી શાદી ભાઈ મોજ તારા લગ્ન માં નહીં કર્યું હોય बज गए 12:30 और आज तो भाई इतना लेट हो गया है कि लेट हो गया पता नहीं कल तो लेट हुआ था लेकिन आज भी लेट हो गया है आज क्या क्यों लेट हो गया क्योंकि बाजू में जाना ही ना गया कंसार खावा गया था केवो लाग्यो कंसार वो मीठो मीठो कंसार वो मीठो लाग्यो मीठो लाग्यो ઉકરડી ઉઠાડી એનું શું મહત્વ એનું મહત્વ તો કાક પેલા જગાડવા જાય પછી ઉઠાડવા જાય બાપા ફોફારી હોય ને એ ઓલા ધૂળ માં રખ દોડે પછી લઈ લે પછી બીજા ને ફેર મૂકવાની પછી જેથી પાછા પૈણી ને આવે ને તેથી ઈની નથી ને ફોફારી લઈ લે અને ઈની ઓલું કરે છોકરા છોકરા એને ઉકરડી ઉઠાડી એને ઉકરડી ઉઠાડી કેવાય તો ભાઈ ફાઈનલ શાદી ખતમ હો ગઈ ઓર મજા આ ગયા નહી રિંકુ તારી શાદી કેટલે પોગી શાદી ખતમ હો ગઈ ખતમ હાથ બગડ્યો કે નહીં જી એમાં પાછા ખાઈ આવ્યા એટલે નહીં ખુલે નહીં અરે બોલી નતા ત્યારે
પગે પીંડ્યું એ ને પગ ની પેન્યું માં હથેળ્યું માં બધે બામ સોળ્યું માથામાં તઈ કાક आज का वीडियो एंड करते हैं, वापस कल मिलते हैं धमाल मस्ती के साथ। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जय स्वामी, जय स्वामी, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी।